हेलो एवरीवन, बाय रोड चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम सीरीज का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उसको देख लें। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किस तरह से फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। विद द होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टडीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फिजिकल प्रोसेस की बात करें, फिजिकल प्रोसेस मीन्स अ फिजिकल चेंज इन सम सिस्टम्स स्टेट, जिसमें कि हम उसके स्टेट को चेंज करने वाले हैं एंड इस दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है। ठीक है, लेट्स से हम एक फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें हमारे पास आएगा सबसे पहले तो एक फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज मींस अगर आप उसकी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर रहे हैं, लाइक साइज, शेप, कलर और स्टेट। ठीक है, इस तरह की चीज है मेनली इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, स्टेट के बारे में कि उसके स्टेट में किस तरह चेंज आता है। आप जब भी उसकी इस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है यहां पर। ठीक है, तो लिख देंगे नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है। उसके अलावा यहां पर अगर इन्हीं दो स्टेट्स के बीच में, लेट्स से हम स्टेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से लिक्विड से हम वेपर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वेपर से वापस भी लिक्विड बनता आ रहा होगा उसी सेम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो इस दौरान ये जो दो स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिख देते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, एक किसी सिस्टम की बात करें तो उसके दो स्टेट्स के बीच में अगर एक बैलेंस बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, जितने भी हमारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं और वो भी एक क्लोज सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में बात किया था कि किस तरीके से हमारे पास एक क्लोज सिस्टम वाले प्रोसेसेस ही खुद को जो है इक्विलिब्रियम में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको ओपन रख देंगे तो उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा और हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। जैसे ही वो अनटिल हमारा फोर्स हट जाएगा तो उसमें हमारे पास जो हमारा सिस्टम है वो वापस से अपना इक्विलिब्रियम खुद से ढूंढने लगेगा। तो इक्विलिब्रियम मस्ट बी अटेन ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि ऑल जितने भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जितने भी रिवर्सिबल और उसके अलावा रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, एट या फिर इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, ये सभी हमारे पास जो भी क्लोज सिस्टम के अंदर होंगे केवल यही प्रोसेस ही हमारे रिवर्सिबल कहलाए या फिर इसी को हम लोग कहेंगे कि वो हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहे हैं। अगर वो हमारे रिवर्सिबल नहीं है, अगर वो हमारे क्लोज सिस्टम में नहीं हो रहे, तो वो प्रोसेस को हम लोग जो है इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। ठीक है, लेट्स से हम बात करते हैं एट एग्जांपल्स लिख लेते हैं कुछ यहां पर, एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं, लेट्स से वो सॉलिड से बन रहा है लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वापस, देखो जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उतना ही वापस लिक्विड हमारा सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि वापस से हमारा जो है सॉलिड बन रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में ये अगर हमें क्लोज सिस्टम के अंदर करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, अदर एग्जाम्पल इज एट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट में, लेट से यहां पर हम लिक्विड को वापस से अगर हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम लिक्विड से वापस सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में भी यहां पर एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो एक थर्ड प्रोसेस हमारे पास और आता है, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में यहां पर हमारा जो लिक्विड है, ये लिक्विड सब्सटेंस हमारा वेपर में चेंज होने वाला है। ठीक है, लिक्विड से वेपर और उतना ही सब्सटेंस हमारा वेपर से वापस लिक्विड में भी आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक प्रोसेस और है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस जहां पर हमारे पास सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स हमारे इंटरचेंज होते हैं इनटू डायरेक्टली वेपर्स। ठीक है, जहां पर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन में वेपर से वापस हमारा सॉलिड जो बन रहा है वो भी इक्वल अमाउंट में ही बन रहा है, एक इक्विलिब्रियम यहां पर भी अटेन हो गया है। ठीक है, उसके अलावा एक लास्ट और है हमारे पास, ठीक है, दैट इज एट सैचुरेशन। बेसिकली जहां पर आप डिसोल्यूशन करते हैं किसी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मींस जहां पर आप सॉल्यूट को मिला रहे हैं इनटू सॉल्वेंट, तो जितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट से सॉल्वेंट बनता जा रहा है उतना ही सॉल्वेंट हमारा वापस से क्रिस्टलाइज होकर के हमारा सॉल्यूट बना दे रहा है।
ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि इक्विलिब्रियम अटेन करना जानते हैं। ओके अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह से हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चीजें चेंज होने वाली हैं ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, जहां पर हम लिक्विड और वेपर्स को आपस में अगर कंपेयर करें तो, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन होता है, हमने पीछे देखा था लिक्विड और वेपर्स के बीच में इवेपोरेशन के दौरान। अब इस प्रोसेस में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या क्या गतिविधियां होने वाली हैं वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक लिक्विड की, ठीक है, और हम बात करें मान लो एक गैसियस सब्सटेंस की, एक वेपर की बात करते हैं, ठीक है, तो दोनों के ही अंदर क्या होने वाला है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स भी जो है लगातार कॉन्टिन्यूअसली इनटू द मोशन होंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली मोशन में होंगे इसके पार्टिकल्स, और उसके अलावा वेपर में भी हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूअसली मोशन में होते हैं, टकराते रहते हैं, इधर उधर स्ट्राइक करते हैं, दोनों ही के पास मोशन है, यानी कि दोनों ही के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर आप अपने वेपर को हीट देते हैं, लेट्स से आप इसको हीट दे करके आप इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा देते हैं, तो ये जो है अपना स्टेट चेंज कर लेता है, ठीक है, ये स्टेट चेंज करके वेपर फेज में चला जाता है, और वेपर फेज में जाने के बाद जब इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके लूज होती रहती है, खर्च होती रहती है, तो वापस से सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करके ये जो है वापस हमारा लिक्विड फेज में आ जाता है, ठीक है, जहां पर हमारा ये जो लिक्विड है अपने सर्फेस को अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण छोड़ जाता है तो उसके बाद ये ऊपर वेपर फेज में चला गया। वेपर फेज में जाने के बाद ये जो है उसी काइनेटिक एनर्जी को लूज करके सीधा नीचे अपना लिक्विड स्टेट में वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, सबसे पहले तो यहां पर हमारा सब्सटेंस जो है पहले के इसमें अपना सरफेस को छोड़ रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों को हम एक ही सरफेस में लेकर के आ जाएं, ठीक है, एक ही सरफेस में ले आते हैं, तो यहां पर हमारे जो सब्सटेंस है, मान लो यहां से वेपर फेज में जा रहे हैं, और वेपर फेज वाले जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करके वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अमाउंट ऑफ लिक्विड, अगर हम इसमें बात करें, दो प्रोसेस हो रहे हैं, मान लो एक हो रहा हमारा इवेपोरेशन और एक हमारा कंडेंसेशन, ठीक है, ये दो प्रोसेस यहां पर लगातार कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं, देखो सबसे पहले मैंने स्टेट्स आपके कंडीशंस बताई थी कि पहली बात तो रिवर्सिबल होना चाहिए, और दूसरा चीज ये आपका क्लोज सिस्टम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर सोचो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया तो क्या होगा, सारा का सारा जो लिक्विड है इवेपोरेट होकर एस्केप कर जाएगा और वो फिर आपका वापस लिक्विड नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड लीविंग दैट सरफेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड अराइविंग, ठीक है, जितना लिक्विड लीव कर रहा है द सरफेस ऑफ, ठीक है, उसी अमाउंट को आप वापस भी रिगेन कर पाएंगे, वही अमाउंट आपका वापस अराइव भी करेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका इवेपोरेशन है इज इक्वल टू कंडेंसेशन, ठीक है, इवेपोरेशन का रेट जो है कंडेंसेशन के रेट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे यहां पर ये चीजें होने वाली हैं। अच्छा, कंडेंसेशन कब होने वाला है, जब हमारा जो लिक्विड है या फिर हमारा जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हम लोग जो है, देखो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली मूविंग है, हमारे पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, लिक्विड से गैसियस, गैसियस से वापस लिक्विड, इसीलिए हम लोग हमारे इक्विलिब्रियम को डायनेमिक भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको डायनेमिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो ये इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है, नॉट स्टैटिक। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें स्टैटिक दिख सकता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर हमको वो बिल्कुल भी स्टेबल या बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं मिलेगा, वो हमेशा लगातार मूवमेंट हमें करता हुआ नजर आएगा, इसलिए हमें उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। ये था आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, किस तरह से हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इससे अलग है, जैसे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल चेंजेस आते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंज आते हैं।
तो केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम किस तरह होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले तो आपके नए सब्सटेंसेस फॉर्म होने वाले हैं, पुराने सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जो नया सब्सटेंस आपका बनता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग पूरे चैप्टर में पीछे दिखाने वाले हैं आगे, ठीक है, प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने लेट्स से स्टार्टिंग में एक रिएक्टेंट लिया, ठीक है, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में इसलिए मैंने यहां पर डबल एरोस बनाया, यानी कि रिएक्शन हमारा आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। आगे जाने वाले रिएक्शन हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे आने को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट हमारा, एंड यहां पर अगर आप बात करें जब रिएक्शन जस्ट शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग के वक्त यहां पर जो टाइम था, टाइम मान लो जीरो, तो इस वक्त जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मैक्सिमम है, रिएक्टेंट हमारा अभी हमारा मैक्सिमम अमाउंट में है और ये जो है हमारा बिल्कुल ही जीरो है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ नॉन जीरो टाइम की बात करते हैं। जैसे जैसे आपका ये रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है अभी हमारे पास रिएक्टेंट, रिएक्शन हमारा आगे बढ़ेगा तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा रिएक्ट करने को, धीरे धीरे करके इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। कुछ टी टाइम, टी इक्वल नॉट टी जीरो टाइम पर आप लेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ना कुछ घट करके कम हो गया होगा। लेट से मैक्सिमम था स्टार्टिंग में, दैट इज मान लो कुछ मैक्सिमम अमाउंट था, यहां पर आप जाके हमारा कुछ लेट से कम हो गया, डिक्रीज्ड, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड, ठीक है। अब रिएक्शन हमारा इस तरीके से हमेशा फॉरवर्ड की तरफ मूव करने वाला है, क्योंकि अगर हमारे पास ये ज्यादा है, इसको ऐसे समझना जैसे कि आपके पास लेट से एक बोल है और यहां पर आप जो है एक मान लो बाउल है, उसमें आप एक छोटा सा बॉल वगैरह आप ऐसे पुश करते हैं, मान लो इसको हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरफ हमारी रिएक्टेंट साइड है और इस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इस बॉल को हल्का सा आगे पुश करते हैं, ठीक है। मान लो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, रिएक्टेंट को जस्ट ला करके रख दिया, यानी कि इस बॉल को यहां पर हमने रख दिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो जैसे इसको हम लोग हल्का सा आगे बढ़ाएंगे बहुत तेजी से आगे जाएगा ये, ठीक है, ये हमारा बहुत तेजी से आगे जाने वाला है इस तरीके से, और आगे जाकर के ये थोड़ा सा आगे जाएगा, इधर थोड़ा सा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये हमारा वापस पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, ये वापस पीछे आएगा, और वापस मान लो कुछ जैसे ही वापस आता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन होता है, यानी कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था तो बहुत तेजी से रिएक्ट किया, ठीक है, उसने कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना लिया, मान लो यहां पर बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं दोनों, लेकिन इसने क्या किया, उसको सरपास कर दिया, आगे चला गया। अब यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट फिर वहां से जो है बैकवर्ड आता है और वापस इस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और जो हमारा रिएक्टेंट लगातार रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हम इसको इक्वल कंडीशन पर देख पाएंगे जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ठीक। स्टार्टिंग में यहां पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, इसका इंक्रीज हुआ, बट एक टी आता है आपका जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ठीक है, जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो उस वक्त हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें आपका डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू दिस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। यहां पर आपका रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जा सकता है ना यहां से आपका वापस बैकवर्ड आ सकता है, मतलब जितना यहां से ये बन रहा है उतना ही वहां से ये भी बन रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो इससे हमने जस्ट अभी इक्विलिब्रियम का एक डेफिनेशन निकाल लिया है। दैट इज, अगर कोई पूछे कि भाई व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो हम उसको इजीली कह सकते हैं इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पर किसी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आने लगता, या फिर आप कह सकते हैं चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, किसी भी प्रकार का चेंज वहां पर नहीं आने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। लिख देते हैं इसको, नो चेंज इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है,
कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है। अच्छा, इसमें दो चीजों का हमको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, कंडीशंस लिख देते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि भाई आपका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका, ठीक है, सबसे पहले इसमें जो कंडीशंस है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो आपका प्रोसेस है, ये आपका एक क्लोज सिस्टम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला कंडीशन ये है कि भाई क्लोज सिस्टम चाहिए चाहिए, अगर क्लोज सिस्टम नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, क्लोज सिस्टम में, अच्छा क्लोज सिस्टम ही क्यों चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले, अच्छा क्लोज सिस्टम ही हमको क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर सकता है, इक्विलिब्रियम आपका इजिली अटेन किया जा सकता है, एंड इसमें सबसे पहले कोई लिक्विड, मान लो आप किसी लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं, ठीक है, वेपर बन के तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ना आपका जो सब्सटेंस है वो आपका सिस्टम में जो भी चीजें हैं वो एस्केप ना करें, ठीक है, इसलिए आपको क्लोज सिस्टम चाहिए होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम आपको चाहिए होता है। अच्छा, सेकेंड चीज ये है कि अगर यहां पर आपका बाय चांस ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसमें ना जैसे हमने देखा कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा था, ठीक है, तो अगर ये सिस्टम ओपन होता है तो हमारा जो रिएक्टेंट है ये यहां से एस्केप कर सकता है, ठीक है, और हमारा एट द एंड रिएक्टेंट रिएक्ट करते 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 खत्म हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट ना करके ना वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकता है। तो हम लिख सकते हैं इफ देयर इज एन ओपन सिस्टम देन सब्सटेंस जो आपका रिएक्टेंट है विल बी एग्जॉस्टेड, जो आपका रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होगा, ठीक है, तो इसीलिए हमको चाहिए होता है एक क्लोज सिस्टम, इसके बिना हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा या हमारा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे इसी सीरीज के अंदर, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।